हेलो स्टूडेंट्स, इन ट्यूटोरियल नंबर 6 वी विल डिस्कस स्विच स्टेटमेंट यूजिंग अ फॉर्म। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट स्विच स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट? Switch statement is used to select one of many blocks of code to be executed. Switch statement क्या होता है? अगर हमारे पास बहुत सारे blocks available हैं and we want to execute only one out of them, then we use switch statement. चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक ये code type किया हुआ है already, जो framework की तरह work करता है। यहाँ पे एक HTML का tag लिया हुआ है, head tag में एक message pass किया हुआ है switch statement, एंड देन इसकी बॉडी को हमने स्टार्ट किया है। बॉडी के बीच में हम PHP कोड टाइप करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म लेते हैं फॉर्म टैग की हेल्प से, देन इसको क्लोज कर देते हैं। इन बिटवीन वी विल टेक अ टेक्स्ट बॉक्स विद द हेल्प ऑफ इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसका नेम ले लेते हैं num1, और यहां पे हम ऐड कर देते हैं कुछ br टैग। नाउ टेक अ बटन, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इसका नेम हम ले लेते हैं sub1, एंड वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। अब यहां पे हम बटन पे जो टेक्स्ट हमें शो होगा वो हम लिख देते हैं कैलकुलेट, और इस बटन टैग को क्लोज कर देते हैं। फॉर्म टैग हमने ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है तो इसको सेव करते हैं। अब अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब ये क्या डिस्प्ले करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमें एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम टाइप कर सकते हैं अपना जो भी हमें यहाँ पे टाइप करना है, और नीचे एक बटन डिस्प्ले हो रहा है जिसपे ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट। एक मैसेज और मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ फॉर्म के ऊपर, पी टैग की हेल्प से एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, एंटर योर चॉइस। पी टैग को क्लोज किया, इसे सेव करके दोबारा से अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी दैट एंटर योर चॉइस एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, देन एक टेक्स्ट बॉक्स, देन बटन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट में हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे कोड का, उनमें से हम सिर्फ एक कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसका जो इनपुट लेंगे वो हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लेंगे। तो सबसे पहले हम रिट्रीव कर लेते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे सबसे पहले हम उसे रिट्रीव कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है $_get नाम से, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं num1। तो ये फंक्शन क्या करेगा, num1 हमने नेम लिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बॉक्स का, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है ये उसको गेट कर लेगा, और इसको हम यहां पे स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में $x। $x हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें ये वैल्यू स्टोर हो गई है। अब इस वैल्यू को स्टोर होने के बाद हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट, और स्विच के अंदर हमें पास करना होता है वो वेरिएबल जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा कि हम क्या चूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम कुछ केसेस लेते हैं, केस 1, यहां पे हम ले लेते हैं एक वैल्यू कि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो उसको हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इको,
के अंदर हम जो मैसेज पास करेंगे या जो भी यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहेंगे ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। यहाँ पे हमें कॉलन लगाने होते हैं तो इको के अंदर हम मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, यू हैव एंटर्ड वन। और इसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट ना हो। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। हम जितनी बार भी चाहें इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे हम केस टू ले लेते हैं, टू यू हैव एंटर्ड टू। केस थ्री ले लेते हैं, यू हैव एंटर्ड थ्री। और केस फोर यू हैव एंटर्ड फोर। देन केस फाइव यू हैव एंटर्ड फाइव। अब इसके बाद हम एक डिफॉल्ट केस ले लेते हैं कि अगर यूजर ने 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा कोई वैल्यू वहां टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट की है तब हम क्या डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए हम केस लेते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस में हम प्रिंट कराएंगे इको प्लीज टाइप द करेक्ट इनपुट एंड प्रेस कैलकुलेट बटन। तो अगर यूजर ने 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा कुछ और इनपुट किया तो उसको एक मैसेज हम डिस्प्ले करा देंगे, ये प्लीज टाइप द करेक्ट इनपुट एंड प्रेस कैलकुलेट बटन। ये डिफॉल्ट की स्पेलिंग यहां करेक्ट कर लेते हैं, एल डिफॉल्ट। और यहां क्लोज कर देते हैं स्विच स्टेटमेंट को। लेट्स सेव इट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एस। तब हम पेज में अपने यहां पे कुछ वैल्यू देते हैं, लेट से 1 कैलकुलेट, यू हैव एंटर्ड 1। नंबर 2 यू हैव कैलकुलेट 2। 7 प्रेस करते हैं, यू कैन सी दैट प्लीज टाइप द करेक्ट इनपुट एंड प्रेस कैलकुलेट बटन बिकॉज वी हैव एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस हेयर, वी हैव टू एंटर नंबर 1 to 5। Let's show it in this message. Again, open this code. Write, enter your choice from 1 to 5 only. Save karte hain isko. You can see that enter your choice from 1 to 5 only and you have entered 1. Let's say we have entered 10. Please type the correct input and press calculate button. तो आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे ये कोड डिस्प्ले किया था ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है अगर हमारे पास बल्क में कुछ ऐसा कोड अवेलेबल है जिसके बहुत सारे पोर्शंस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे केसेस अप्लाई हैं, केस 1, 2, 3, 4, 5 और आप इनमें से कोई एक केस ही एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और ये ब्रेक हमने यहाँ पे यूज किया है ताकि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो इसके बाद ये कंटिन्यू इसको ना करे, डायरेक्ट इस सारे स्विचेस के केसेस से बाहर आने के लिए हम यहाँ पे बार बार ब्रेक का यूज करते हैं ताकि एक टाइम पे हमारा सिर्फ एक केस ही एग्जीक्यूट हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी इनपुट पास कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 लिया था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई दूसरी स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। लेट से आपने यहाँ पे पास किया 1, इसको हम सेव कर देते हैं। और अब आप अगर यहां पे पास करते हैं 1 तो ये उसी की तरह वर्क करेगा। तो यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहां पे कोई नंबर ही पास करना है, आप यहां पे नंबर भी पास कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। तो इस स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से आप एक अच्छा सा
प्रैक्टिकल अप्रोच वाला एक स्मॉल प्रोग्राम या स्मॉल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।